Hello everyone, let's start with question number 14 of exercise 9.4. It says A is a point at a distance 13 cm from the center. So center ye ra O, aur yahan se unhone bola ki O se lekar A tak ka distance jo hai wo 13 cm hai. Iska matlab jo O A hai wo 13 hai. Of a circle of radius 5 cm. To jo circle ka radius hai, it is about 5 cm. AP and AQ are the tangents to the circle at point P and Q. तो हमारे पास दो tangents हैं, एक है आपका AP, दूसरा है आपका AQ. So these are the two tangents to the circle point P and Q. If a tangent BC is drawn at point R lying on minor arc PQ, PQ जो है minor arc है हमारे लिए, और उसके ऊपर एक point है intersection point, वो है R का. PQ to intersect AP and BAQ at C. So यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट जो है वो B हो गया, नीचे वाला जो पॉइंट है वो E हो गया, next पॉइंट जो है हमारा वो C. So these are all the points which are given to us. और जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है OP 5, OQ 5 और OA 13 cm. Now we have to find the perimeter of triangle ABC. So ABC निकालने के लिए हमें AB की लेंथ चाहिए, BC की लेंथ चाहिए, CA की लेंथ चाहिए. तो ये तो कुछ भी नहीं दिया हुआ हमें. सबसे पहले हम PA की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि OP हमारा रेडियस है और PA हमारा टेंजेंट है. तो ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री. एंगल OPA इज 90 डिग्री. नाउ वी विल फाइंड द साइड PA. PA निकालेंगे किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल OPA. सो इट विल बी OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर. सो OP स्क्वायर इज 13 स्क्वायर, OP स्क्वायर इज 5 स्क्वायर. Then PA square is unknown to us. So 13 square is 169 minus 25, 5 ka square left hand side aa jayega. So it will be 169 minus 25. It is 144 PA square. So PA ki value kitni aa gayi aapki? 12 cm. PA is 12 cm now. Ab hume chahiye AB, BC and CA. तो ए बी बी सी एंड सी ए कैसे आएगा? हमें थ्योरम लगानी पड़ेगी, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. तो वो थ्योरम का यूज करना पड़ेगा और फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा ट्रायंगल का ए बी सी कैसे बनेगा, पेरिमीटर कैसे बनेगा, राइट. तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि हमारा ए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इससे क्या क्लियर होता है कि पी ए क्यू ए के इक्वल है, टेंजेंट्स इक्वल है. अगर मैं बोलूं बी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी पी इज इक्वल टू बी आर है. नेक्स्ट अगर मैं बोलूं सी हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सो इट विल बी सी आर इज इक्वल टू सी क्यू. सो इन तीनों पॉइंट्स को यूज करके हम ट्राइंगल का एबीसी का पेरीमीटर निकाल सकते हैं. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी होता क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स, इट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. अब आपने देखना है कि हम किसको रिड्यूस कर सकते हैं. आप देख सकते हो कि बी सी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या तो तीन में भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दो पार्ट्स में करेंगे एंड दैट विल बी बी आर एंड आर सी. देखते हैं कि क्यों किया है, अभी समझ आ जाएगा आपको. बी आर प्लस आर सी प्लस सी ए. अब हम क्या करेंगे, बी आर के इक्वल हमारा क्या है बी आर, बी आर के इक्वल हमारा क्या है पीबी. अभी हमने निकाला था, यहाँ पे भी आप देख सकते हो. अब पीबी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम पीबी और बी ए को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पी ए टोटल. सो इट विल बी ए बी प्लस बी आर, बी आर की जगह पीबी प्लस आर सी की जगह सी क्यू प्लस ए सी एज इट इज. सो ए बी प्लस पी बी हो गया आपका ए बी, और सी क्यू प्लस ए सी हो जाएगा आपका ए सी.
ए क्यू सॉरी ए सी प्लस सी क्यू कितना हो गया ए क्यू. सो ए बी प्लस ए पी प्लस ए क्यू. अब हमें पता है कि ए पी जो है वो क्यू ए के इक्वल है. फर्स्ट इक्वेशन देखो ए पी इज इक्वल टू क्यू ए. तो हम ए को कन्वर्ट कर लेंगे ए पी. ए क्यू की जगह हम ए पी भी लिख सकते हैं. तो ये क्या हो गया आपका ट्वाइस ऑफ ए पी, ट्वाइस ऑफ ए पी. अब ए पी की तो वैल्यू हमने निकाल ली थी, ए पी वॉज 12 सेंटीमीटर. तो ट्वाइस ऑफ ए पी मतलब 2 इंटू 12 इट इक्वल्स 24 सेंटीमीटर. सो ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर. सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14. आई होप यू लाइक्ड इट. प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.